डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग अभी जो टेंथ क्लास के लिए जो साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे वो था विद्युत रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने पूरी तरीके से अच्छे से हम लोग पढ़ा और साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो बीच में प्रश्न होते हैं, पीछे वाले अभ्यास का प्रश्न होता है, उसको भी हम लोगों ने किया है। अब दोस्तों, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं आज। तो जैसा कि आपको पता है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जो भी हम लोग को स्कूल कॉलेज की बेसिस पे एग्जाम होते हैं स्कूल में, उसमें जो आपकी साइंस की एग्जाम होती है उसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के भी रहेंगे, बायोलॉजी के भी रहेंगे। तो इसीलिए हम जो पढ़ने का तरीका आप अपनाए हैं वो फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि हम लोग रिसाइकलिंग वे में तीनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि पता है, पहले हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन वाले चैप्टर को फिजिक्स में पढ़ा, फिर हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, जिसमें हम लोगों ने संतुलित करने वाला भी सीखा और उसका महत्व को जाना, अलग अलग अभिक्रिया के बारे में जाना, ठीक है। तो अब आइए हम लोग चलते हैं टेंथ क्लास के लिए। हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान के एक पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, जीव विज्ञान। तो एनसीईआरटी में आपको पता होगा कि हम लोगों का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों को एक ही कैटेगरी में दे दिया है, तीनों को एक ही में सम्मिलित कर दिया है। तो जब तीनों को एक ही में सम्मिलित कर दिया है तो जीव विज्ञान जो शुरू होता है वो छठवें चैप्टर से शुरू होता है, यानी कि जीव विज्ञान जो आपके बुक में है वो छठा चैप्टर से शुरू होता है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। नाम क्या है इसका? जैव प्रक्रम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब जैव प्रक्रम में हम लोगों सीखेंगे कि आखिर इस जैव प्रक्रम में हम लोगों को कौन कौन सी बातें सीखने को मिलेगा, या फिर जैव प्रक्रम में हम लोग किन किन चीजों को जानेंगे और किन किन चीजों को सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आगे हम लोग चर्चा करते हैं यहां पे कि जो बायोलॉजी का जो शुरुआत हुआ वो तो आप नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे कि एक सेल से ही पूरा हम लोगों का बॉडी, सेल से टिश्यू बनता है, यानी कि कोशिकाएं जब विकसित होती है तो उत्तक का निर्माण करती है और वही उत्तक से आगे बढ़ता है और फिर हमारा बॉडी तैयार होता है। तो कुल मिलाकर हम वहां पे तो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन जैव प्रक्रम का मतलब क्या हुआ जरा इसका मतलब समझते हैं। यानी कि पूरा लाइफ को चलाने के लिए या अच्छे सुचारू रूप से ढंग से काम करने के लिए कुछ प्रोसेस को अपनाया जाता है, वही प्रोसेस कहलाता है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। अब वो कौन कौन सा प्रोसेस है तो उस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर आपकी लाइफ को अगर अच्छे तरीके से चलाना है तो खाना जरूरी है, श्वास लेना जरूरी है। तो लाइफ प्रोसेस में इन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि आपका लाइफ कुछ सुचारू रूप से चलने के लिए कौन कौन सा चीज को सही समझा गया है, जरूरी समझा गया है। जरा हम बात कर लेते हैं कि आप सजीव और निर्जीव का डेफिनेशन क्या समझते हैं। तो सजीव का मतलब यह हुआ कि जिसमें कुछ गति होता हो, ठीक है, जिसमें वृद्धि होता हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हो, वो सजीव प्राणी कहलाएगा, और जो इन क्रियाओं को नहीं करते हैं वो निर्जीव प्राणी कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सजीव के बारे में ये भी कहा कि वो श्वास लेते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, कैसे? आपने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा,
दैट इज ऑक्सीजन का आदान प्रदान। पेड़ पौधों को बात कर लेते हैं, प्लांट्स की बात कर लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आज से हम लोग कुछ अलग चीजें सीखेंगे कि सजीव प्राणी का एक और डेफिनेशन होता है कि अगर वे पदार्थ, वे वस्तुएं जो गैसों का आदान प्रदान करते हो सजीव कहलाते हैं, अगर वे गैसों का आदान प्रदान नहीं करते हो निर्जीव पदार्थ, निर्जीव वस्तु कहलाते हैं। ठीक है, हालांकि इन चीजों के बारे में हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, सजीव निर्जीव क्या होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे आप लोग, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जीव प्रक्रम में पढ़ते हैं। तो ये चूंकि चैप्टर है जीव प्रक्रम, तो इस चैप्टर में हम लोग अब छोटा टॉपिक्स भी बनाएंगे, जीव प्रक्रम, यानी कि जीव प्रक्रम हम लोगों का ये टॉपिक्स भी है। ठीक है, तो जीव प्रक्रम आपको टॉपिक बनाना है और उसके नीचे कुछ उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। दोस्तों ये तो चैप्टर का नाम बारे में आप लिखा, ये तो चैप्टर हो गया आपका, लेकिन अब एक उसके नीचे टॉपिक्स बनाएंगे जीव प्रक्रम। और दोस्तों जितना भी एरो लिखा जाएगा वो एक्चुअली जीव प्रक्रम के अंतर्गत ही होगा, जीव प्रक्रम के बारे में ही चीजें बतलाई जाएंगी। ठीक है, तो जीव प्रक्रम में नीचे फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए, लिखेंगे जीवों में अनुरक्षण कार्य, जीवों में अनुरक्षण अनुरक्षण कार्य, जीवों में अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, कॉमा कॉमा यह उस समय भी चलता रहता है जब, यह उस समय भी चलता रहता है जब, जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, पूर्णविराम अर्थात उसी के आगे लिखेंगे, अर्थात वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। अब देखिए कोई बोलेगा कि भाई जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, और देखो भाई आप चीजों को समझो, आप टेंथ क्लास में हो, आप चीजों को अंदर अंदर से समझदारी लाओ। कैसे भाई, क्योंकि हर बार हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे कि आप एक क्वेश्चन लिखो अपने तरफ से कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, फिर उसको उत्तर लिखो, है ना। तो ये थोड़ा सा ये टाइम किलिंग भी हो जाएगी और वैसे हम लोग को पढ़ने में भी ज्यादा मजा नहीं आएगा। और ये क्या है कि आपको जैव प्रक्रम तो मेन टॉपिक से, अब उसके अंदर की जो जो एरो है आप इन एरो को बढ़िया तरीके से रट लो, बढ़िया तरीके से याद कर लो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि हम कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे दोस्तों कि हम लोगों को जो एरो दिया हुआ रहेगा तो वो एरो जो है किसके बारे में बतलाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जैव प्रक्रम से ही जुड़ा रहेगा। और हर एरो को आपको ध्यान से पूर्वक पढ़ना है। अब आपको आ गया कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आपको आप यहां पे नोटबुक में तो आप सवाल नहीं लिखे हैं, आप एरो लिखे हुए हैं, तो आप एरो पढ़िए कि जैव प्रक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है वही अभी हम लोग सीखे हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं
कि जब हम लोग कार्य करते हैं, जब हम लोग कार्य करते हैं उस समय हमारा सब चीज पूरा बॉडी ही कार्यशील रहता है। लेकिन कभी आप ये सोचे हैं कि जब आप कार्य नहीं कर रहे हो, जैसे आराम से सोए हो, जब सोए हो तो आप तो कार्य नहीं कर रहे हैं, आपका बॉडी तो स्थिर है। जैसे मान लीजिए कि कोई काम कर रहा है, कोई खेतों में किसान लोग काम कर रहे हैं, कोई मजदूर काम कर रहा है, तो उसका पूरा बॉडी कार्य में रहता है, कभी हाथ से भी काम कर रहा है, पैर भी कार्य करता है, पूरा बॉडी कार्य करता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि वो व्यक्ति जो किसान है वो रात में अगर सो रहा है, रात में सो रहा है बेफिक्र होकर, तो क्या उस टाइम भी कार्य कर रहा है? बायोलॉजी बोलता है कि जी हाँ, कोई भी व्यक्ति कितना भी आराम क्यों ना कर रहा होगा वो काम कर रहा है, और उस कार्य को बोलते हैं अनुरक्षण का कार्य। कौन सा कार्य? अनुरक्षण का कार्य। बायोलॉजी ये बोला कि आप तो आराम कर रहे हैं, आपको तो आराम फीलिंग हो रहा है, लेकिन जो आपके अंदर की मशीनें हैं जैसे कि फेफड़ा, लंग्स, लीवर, ये सब क्या है, सब काम कर रहा है दिन रात। आप कहीं भी रहो, कुछ करो या नहीं करो, या बैठे रहो, क्लास में आराम से बैठे हुए हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, आराम से सोए हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपके अंदर के जो भी ऑर्गेन्स हैं, जो भी ऑर्गेन्स हैं वो तो काम कर रहे हैं ना। जैसे आप भोजन कर लेते हो, आराम से सो जाते हो, भोजन पचता है ना, वो पचने का कार्य, पचाने का कार्य अंदर जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, या फिर अंदर की जितनी भी ऑर्गेन्स है, लीवर है, फेफड़े हैं, सब तो वो सब क्या है, काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है यही है जीव प्रक्रम, इसी को बोलते हैं दोस्तों अनुरक्षण का कार्य। जिंदगी में, जिंदगी भर अनुरक्षण का कार्य चलते रहना चाहिए। अर्थात वे सभी प्रक्रम जो निरंतर चलते रहते हैं वही कहलाता है जैव प्रक्रम। अगर इनमें से थोड़ी सी भी रुकावट आई तो आप नहीं चल सकते हैं। यानी कि हम यहां पे कुल मिलाकर एक चीज समझाना चाह रहे हैं कि जो अनुरक्षण का कार्य हमेशा चलना चाहिए, अनुरक्षण का कार्य का मतलब अंदर की कार्य। आप बॉडी को रेस्ट में रख लो, हम आराम से खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर का श्वास लेना, पलकों का झपकना, या फिर नींद से सोए हैं फिर भी श्वास लेते हैं, आपको इसको याद करके तो नहीं लेना पड़ता है, पलके झपकना है तो इसके लिए तो आपको याद नहीं करना पड़ता है कि हाँ भाई पलक झपकाना है, हाँ भाई सांस लेना है, सांस लिया फिर छोड़ना भी है, इसको तो याद नहीं करना पड़ता। तो ये ऑटोमेटिक्स है, ये ऑटोमेटिक्स है, और यही अनुरक्षण का कार्य करते हैं, और इसको पूरे जिंदगी भर कार्य करना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुरक्षण का कार्य। तो वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य निरंतर करते रहते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम किसको कहेंगे? जो हमेशा काम करता है, जिसको अनुरक्षण कार्य भी कह सकते हैं, जो हमेशा कार्य करता है, और वो सभी कौन सा है? अंदर की ऑर्गेन्स है। ठीक है, तो चलिए अब ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, फिर इसी का सेकेंड एरो में लिखा जाए, सेकेंड एरो लेकर लिखेंगे क्षति तथा क्षति मतलब नुकसान, क्षति तथा टूट फूट को रोकने के लिए, क्षति तथा टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, और इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी तथा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कोई भी जीव तथा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कोई भी जीव भोजन को शरीर के अंदर लेता है,
शरीर के अंदर लेता है, कौमा इस प्रक्रम को पोषण कहते हैं, इस प्रक्रम को पोषण कहते हैं। दोस्तों हम लोग दो पॉइंट्स लिखे हैं ना, पहला जो एरो देकर लिखे हैं उस एरो को भी वीवीआई करेंगे और दूसरा एरो जो अभी लिखे हैं इसको भी वीवीआई करेंगे। दोनों वीवीआई पॉइंट्स है तो वीवीआई भी करते चलेंगे ताकि कुछ हम लोगों को आइडिया मिल सके कि हाँ ये किस बेसिस पे है। तो पहला वाला, सेकेंड वाला क्या एरो दिए हैं उसमें जरा समझिएगा। बोला जा रहा है कि जो शरीर के अंदर कोई भी क्षति होता है, कोई भी ब्रेकडाउन होता है, कोई भी टूटता फूटता है, जैसे अक्सर क्या है ना, अक्सर के क्या होती है कि हम लोग काम कर रहे होते हैं और शरीर के त्वचा में या कहीं भी शरीर के भाग में थोड़ा बहुत खरोच आ जाती है, और वो खरोच आ जाती है तो आपको उसके लिए टैबलेट या इंजेक्शन या फिर मेडिसिन लेना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक और धीरे 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 क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये कहां से ठीक होता है भाई, वही अनुरक्षण के कार्य से, यानी कि वो अंदर के जो ऑर्गन्स है वो निरंतर काम करते रहते हैं, इसीलिए कभी भी आपके बॉडी में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आता है, कहीं छिल कट जाता है तो ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये ज्यादा मात्रा के लिए नहीं, बहुत कम मात्रा के लिए लागू होते हैं। अब रहा बात कि ये कैसे हो पाता है, तो पहला चीज कि अनुरक्षण का जो अंदर कार्य कर रहा है हमारा ऑर्गन्स उसका भी भागीदारी है, और दोस्त वो कब भागीदारी कर सकता है, जब उसके अंदर की एनर्जी ऊर्जा होगा, क्योंकि वो हमारा काम कर रहा है। जैसे मेरा छिल कट गया, फिर धीरे 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 वो ऑर्गन्स हमको बिना मेडिसिन खाए वो ठीक हो गया, तो कहने का मतलब वो तो काम किया, अब वो जो काम किया उसमें उसका ऊर्जा खर्च हुआ, तो जो उसमें ऊर्जा खर्च हुआ तो ऊर्जा उसको मिलेगा कहां से, तो उस अनुरक्षण के कार्य के लिए उस ऑर्गन्स की जो ऊर्जा होती है वो भोजन से प्राप्त होता है। और इसीलिए दोस्तों हर एक जीव अपने पेट के लिए, अपने भोजन के लिए, भोजन अपने पेट के लिए या फिर अपने बॉडी के लिए भोजन करता है। तो भोजन क्यों करता है, तो भोजन इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर का जो ऑर्गन्स है वो सुचारू ढंग से काम कर सके, और वो काम करेगा इसीलिए तो आपका जो रक्षण करता है एक तरीके से, जो शरीर में हानि पहुंचती है, क्षति हो जाती है। जैसे मान लिया कि कोई एक रॉड से मार दिया मेरे हाथ पे, ये दर्द हुआ, तो अगर वो कम दर्द रहे तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है, तो अनुरक्षण के कार्य से ही ऐसा पॉसिबल हो पाया। अब ये अनुरक्षण का कार्य में उस ऑर्गन्स के लिए ऊर्जा की शक्ति चाहिए, अब उसी ऊर्जा के लिए जो जीव होते हैं वो भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन को शरीर के अंदर लेते हैं और इसी प्रक्रिया को उसको पोषण कहा जाता है। तो पोषण मतलब एक नया वर्ड आया, पोषण किसे कहते हैं, और आपको मिलेगा भी क्वेश्चन में, इसीलिए तो इसको वीवीआई किए हैं कि पोषण क्या कहलाता है। तो ऊर्जा की प्राप्ति हेतु, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कोई भी जीव भोजन को शरीर के अंदर प्रवेश करता है, शरीर के अंदर भोजन को डालता है, और वही भोजन जब शरीर के अंदर जाता है तो यह प्रक्रिया पोषण कहलाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया पोषण कहलाता है। तो कुल मिलाकर हम लोग ने ये दूसरा में देखा कि पोषण का डेफिनेशन भी मौजूद है। तो अगर कोई पूछेगा कि पोषण क्या है तो हम दूसरा वाला एरो को लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एरो थर्ड पे लिखा जाए, थर्ड एरो, पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है।
देखिए ये जो पॉइंट्स लिखे ना, इस पॉइंट्स को तो हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि आखिर ये चीज कार्बन क्या है और हम लोगों को क्यों कहा गया कि हम लोग जितना भी चीजें खाते हैं या पृथ्वी पर जितना भी चीजें दिख रही है वो सभी सभी कार्बन से बनी हुई है। यानी कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो कार्बन पर ही आधारित है। हम भी एक तरह का कार्बन है, मेरा भी वॉच भी एक कार्बन है, मेरा पूरा बॉडी कार्बन है, मेरा शर्ट कार्बन है, मेरा बोर्ड कार्बन है। सब चीजें जो आपके सामने दिख रही होती हैं, सभी कहीं ना कहीं चीजें कार्बन की बनी होती है, उसमें कार्बन का मात्रा पाया जाता है। ये हम लोग सीखेंगे दोस्तों केमिस्ट्री में, ठीक है। एक केमिस्ट्री का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन के यौगिक। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन से ही हमारा पूरा वर्ल्ड चलता है, पूरा संसार में ही कार्बन है, कार्बन से ही पूरा पृथ्वी भरा पड़ा है, अर्थ भरा पड़ा है। तो इसी के कारण यह बोला गया कि जो भी चीजें हम लोग खाते हैं सभी क्या है, कार्बन है। यानी कि कोई भी साग सब्जी खाते हो, कोई भी विटामिन खाते हो, कोई भी मेडिसिन खाते हो, सब में क्या है, सभी कार्बन से ही बने होते हैं। तो यहां पे लिखा गया कि पूरा जो पृथ्वी पर जीवन है वो सभी कार्बन पर आधारित है, और बिल्कुल है, क्योंकि जो सभी चीजें आपके आसपास दिख रही है सभी कहीं ना कहीं कार्बन की बनी है। और इसीलिए बोला गया कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो कार्बन पर आधारित है, अतः जो भी हम लोग खाद्य सामग्री का मतलब जो भी खाने वाला जो चीज होता है वो भी कहीं ना कहीं कार्बन से ही बनी होती है, ठीक है। तो अब लिखा जाए नेक्स्ट एरो देंगे। नेक्स्ट एरो का मतलब फोर्थ एरो, थर्ड एरो हो गया, फोर्थ एरो देखकर लिखा जाए शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है, जैसे शरीर के अंदर उपचयन अपचयन अभिक्रिया का होना, जहां दोस्तों हम लोग क्या सीखें अभी और पहले भी, इसके पहले भी चैप्टर में हम लोग सीखे कि रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन को दोस्तों ऑक्सीकरण भी कहते हैं और अपचयन को अवकरण भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, किसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण का अगर बात करें तो किसको कहा जाता है, जरा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि किसी भी अभिकारक में ऑक्सीजन का जब योग होता है वो ऑक्सीकरण या फिर उपचयन कहलाता है। तो दोस्तों आपको जानना चाहिए कि जो भी चीजें हम लोग खाते हैं, जो भी हम लोग चीज भोजन के तौर पर लेते हैं, चाहे वो आपका चावल हो, रोटी हो, दाल हो, सब्जियां हो, कुछ भी चीजें जब आप खाते हो तो खाने के दौरान जब आपके अंदर का ऑर्गन्स अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य का मतलब भोजन का जब छोटी आंत में प्रवेश होकर वो पचना शुरू हो जाता है, तो पचने के दौरान अंदर कुछ रिएक्शंस होती है, बहुत तरह का रिएक्शंस होती है, और रिएक्शन कर करके जो प्रतिफल बनता है, जो उत्पाद बनता है, उससे हम लोगों को उष्मा भी कहीं कहीं मिलता है, उष्मा भी प्राप्त होता है। इसीलिए तो दोस्तों हमारे बॉडी के लिए भी एक टेम्परेचर की आवश्यकता है, ठीक है, एक टेम्परेचर की आवश्यकता है। तो इसीलिए बोला गया अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा अगर बॉडी का टेम्परेचर हुआ, हम बोल देते हैं फीवर हो गया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सब चीज जरूरत है।
और उसको मेंटेन करता है अंदर के ऑर्गेन्स अनुरक्षण के कार्य करके। तो जो भी चीजें हम लोग खाते हैं, खाने के बाद वो अंदर रिएक्शन करता है और वो रिएक्शन करके एक उपचयन और अपचयन भी बनाता है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा गया है कि कोई भी चीजें जब हम लोग खाते हैं तो वह अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करता है जैसे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया वैसे भी हम लोग के अंदर प्राप्त होता है। तो वो चीजें लिखें, फिर लिखा जाए नेक्स्ट पॉइंट शरीर के बाहर से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना श्वसन कहलाता है। और इसको हम लोग जो एरो अभी लिखे हैं उसको VVI कीजिएगा, श्वसन कहलाता वाला एरो को VVI पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, अब श्वसन किसको कहते हैं दोस्त, जरा समझिएगा बात। कोई भी जीव अपने जीवन को जीने के लिए, हम बताएं कि कोई भी सजीव प्राणी होगा ना तो गैसों का आदान प्रदान जरूर करेगा, लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो हम लोगों को जीने के लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन गैस जरूरत है। तो ऑक्सीजन गैस हम लोग जब लेते हैं अपने जीवन को ठीक ढंग से बिताने के लिए, लाइफ को जीने के लिए, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, श्वसन, जिसको हम लोग सिंपल वे में सांस लेना भी बोल सकते हैं। तो सांस लेना का डेफिनेशन क्या है, सवाल में पूछता है आप श्वसन से क्या समझते हैं, हम बोलेंगे कि शरीर के बाहर से जब ऑक्सीजन गैस ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन गैस लिया जाता है, तब उस प्रक्रिया को, तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ये श्वसन का डेफिनेशन भी हो गया। तो सब चीजें आपको टॉपिक्स वाइज टू दी पॉइंट बताया जा रहा है, आप इन चीजों को पढ़िएगा ध्यान से, आप इनको डेफिनेशन को याद रखिएगा। ये नहीं कि हर प्रकार का सवाल दिया गया है, अब ये नहीं, हम लोग थोड़ा सा समझने योग्य हो गए हैं, तो हर बार क्वेश्चन हर बार आंसर ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग सिर्फ टॉपिक्स वाइज पॉइंट वाइज लिखेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर दिया हुआ है। अब उसका क्या क्वेश्चन बनेगा आप उसका खुद से भी जांच कर सकते हैं, कि जैसे जव प्रकरण किसे कहते हैं उसका आंसर आपको पता है, पोषण किसको कहते हैं ये आपको पता है, श्वसन किसे कहते हैं ये अभी लिखे ये भी पता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह, एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करना पड़ता है। चलिए, जैसे कि आपको पता होगा आप 9th क्लास में एक कोशिका नामक एक चैप्टर को, वहां का बायोलॉजी इसी से शुरू होता है। ठीक है, तो वहां कोशिका के बारे में आप पढ़े होंगे, आप ये भी पढ़े होंगे कि कोशिका कितने तरह के होते हैं, एक कोशिकीय जीव किसे कहा जाता है उसका एग्जाम्पल भी आप पढ़े होंगे, बहु कोशिकीय जीव किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको पता होगा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण
जो प्रचलित है वो है अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, और वह एक कोशिकीय जीव जो है, हम लोग अभी पढ़े कि जो भी एक कोशिकीय जीव होंगे ना, वो अपने भोजन को करने के लिए, जैसे हम लोग भोजन करने के लिए हम लोगों को कार्य करना पड़ता है पहले, ठीक है, यानी कि भोजन के लिए तो सबसे पहले आप क्या खाते हैं, रोटी चावल दाल, तो ये सब आपको उगाना पड़ेगा, वो चीज स्टोर करना पड़ेगा, फिर आपको वर्कआउट करके भोजन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर एक कोशिकीय जीव का बात करें जो एक कोशिका से बनी होती है जैसे कि अमीबा, तो उसको जब भोजन करना होता है ना, तो वो अपना भोजन गैसों के आदान प्रदान करके भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन बहुकोशिकीय जीव ऐसा नहीं करते हैं। यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी जीव जो एक कोशिकीय होगा वो अपना भोजन कैसे करता है, याद रखिएगा कि एक कोशिकीय जीव जो होंगे अपने भोजन को करने के लिए गैसों का आदान प्रदान, गैसों का अदला बदली कर ले तो हम लोग वो लोग भोजन कर सकते हैं, उससे भोजन बना लेंगे। लेकिन सिर्फ अगर बहुकोशिकीय का बात करें, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बॉडी सिर्फ अगर गैसों का आदान प्रदान करते हैं, वह सिर्फ श्वसन का क्रिया हुआ। यानी कि यहाँ पे ये मतलब निकलता है कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, उनको विभिन्न कार्य करना पड़ता है तब उनकी लाइफ प्रोसेस चलती है। जैसे अगर मान लिया कि अगर सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए सिर्फ भोजन दे दिया जाए तो भी जीवित नहीं रह सकते हैं। सिर्फ अगर गैसों का आदान प्रदान हम लोग सिर्फ करें फिर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न कार्य करने के लिए हम लोगों का अलग अलग अंग कार्य करता है, अलग अलग चीजों पर निर्भर है। जैसे हम लोग को सब चीज चाहिए, भोजन भी चाहिए, श्वास भी चाहिए, और जो हम लोग खाएं मल मूत्र के माध्यम से उसको बाहर भी करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं करेंगे वो भी शरीर के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सभी चीजें कोरिलेट्स होती है, ठीक है। तो उसके नीचे अरुगेंगे लिखेंगे, लिखा जाए बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न अंगों की आवश्यकता होती है, भिन्न भिन्न अंगों की आवश्यकता होती है। तो जी हाँ, अभी हम लोग पढ़े कि जो भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनको अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंग की जरूरत होती है, जैसे खाना पीना श्वास लेना, सभी चीजें लोगों को जरूरी है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ज प्रक्रम के बारे में, जो भी एरो देकर लिख रहे थे ना, जितना एरो हुआ जितना पॉइंट्स अभी लिखे इस पॉइंट्स में और भी पॉइंट्स बाकी है, और जो बाकी पॉइंट्स है इसी जैव प्रक्रम वाले टॉपिक्स में बाकी की पॉइंट्स एरो देकर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।